सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि 1 से 10 नवंबर तक जिले में स्कूल आधारित चलाया जाएगा टीकाकरण कार्यक्रम। नियमित टीकाकरण दिवसों पर स्कूल न जाने वाले उन बच्चों व किशोर किशोरियों को भी यह लगाए जाएंगे टीके। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन जिला परिषद के सभागार में हुआ आयोजित। राज्य कर्मचारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। भ्रष्टाचार निवारण समिति की बैठक आईजी जे रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में हुआ सकुशल संपन्न। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने पर हुई चर्चा। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक अभियान थिएटर ग्रुप एवं संस्कृत केंद्र द्वारा योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर रंग महोत्सव का किया जा रहा है आयोजन। जीना इसी का नाम है विदेशियों पर कलाकारों द्वारा होगा नाटक। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन राय ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तहत रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय जूनियर वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले पहलवानों को किया जाएगा सम्मानित। प्याज के बाद अब गोरखपुर में लहसुन के दामों में भी लगी आग। नवीन महवा मंडी में 160 रुपये से 200 रुपये किलो तक बिक रहा है लहसुन। बिक्री में आई कमी, नया लहसुन आने के बाद होगा दाम कम। गोरखपुर जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों पर यातायात पुलिस ने कसा शिकंजा। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में महद्दीपुर चौराहे पर प्राइवेट एम्बुलेंस के वैध कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस की गई चेकिंग, दी गई चेतावनी।